ग्लोबल टाइगर डे, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहा जाता है, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। इसे 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में बनाया गया था। इस दिन का लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए सार्वजनिक जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है। गुड इवनिंग फैमिली मेंबर्स, सुंदर मौसम में, सुंदर माहौल में हमारे चैनल वन माइल एट अ टाइम पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक फॉरेस्ट ऑफिसर का मुख्य काम होता है जंगलों का संरक्षण करना, ताकि कोई अवैध रूप से हमारे जंगलों में ना घुसे, साथ ही में अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार ना करे और पेड़ों को ना काटे। इन सब के अलावा पेड़ पौधों, जीव जंतु जैसे चीज़ों को लेकर रिपोर्ट तैयार करना भी एक IFS ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इस फील्ड में करियर वही लोग बनाना पसंद करते हैं जो जंगलों से प्यार करते हैं। आज मेरे लिए ये एक गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे सीनियर IFS ऑफिसर से रूबरू होने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने ज़िंदगी के अहम 36 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में समर्पित किए हैं। साथ ही में इतने वर्षों में इन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैं इन्हें साल 2008 से जानता हूँ, जब ये कॉबी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर हुआ करते थे। ये वास्तव में युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे व्यक्ति से बातचीत करूंगा जो उत्तराखंड के वन प्रमुख रह चुके हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे ख्याल से सिर्फ यही दे सकते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर राजीव भर्तरी जी से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वन माइल एट अ टाइम। एंड लुक हू इज हियर, मेरे साथ राजीव सर बैठे हैं, राजीव भर्तरी सर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कॉबी टाइगर रिजर्व, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। तो सर, इतना लंबे समय तक आप फॉरेस्ट सर्विस के अंदर रहे हैं, नाउ फाइनली यू हैव रिटायर्ड, तो मैं पहले सर जानना चाहूँगा कि हाउ इज़ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एंड योर फ्यूचर प्लान्स। मैं अभी 30 अप्रैल को ही रिटायर हुआ, तो खाली 2 ही महीने हुए हैं, और तो अभी तो मैं टटोल रहा हूँ कि क्या करना है। मैंने ये डिसाइड किया है कि 6 महीने तक मैं थोड़ा रिलैक्स्ड रहूँगा और उसके बाद कोई नई चीज़ शुरू करूँगा। लेकिन मेरी PhD जो है वो अभी जनवरी में ही ख़त्म हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना से मैंने एक फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन साइंस में PhD की है। और मैं चाहता हूँ कि ये एक अधूरा प्रोजेक्ट है, मैं उस पर थोड़ा और काम करना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। तो मेरा अभी जो ध्यान है वो उन चीज़ों को पढ़ने में जो मैं नहीं पढ़ पाया या लिखने में, उसी पे केंद्रित है। सर, देवभूमि उत्तराखंड भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती है। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के अलावा हमारे पास बाघ अभ्यारण भी हैं जो काफ़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप पार्क के डायरेक्टर थे तो हम आपके द्वारा पहले कॉर्बेट पार्क के बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही में सर, आपने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके द्वारा लाए गए परिवर्तनों और आपकी रणनीतियों के बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो ये समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है पहले थोड़ा पीछे जाना कि 1991 तक कॉर्बेट नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिनोनिमस थे, और उनका दोनों का क्षेत्रफल जो है वो एक ही था, 520.84 स्क्वायर किलोमीटर्स। और 91 में जो है बफर जोन के रूप में सोना नदी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालागढ़ डिवीजन और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और थोड़ा सा टुकड़ा तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन का, ये बफर जोन के रूप में ऐड हुआ था। तो मेरी पहली तैनाती कॉर्बेट में जुलाई 1993 में हुई, आज से ठीक 30 साल पहले। हम बल्कि संयोग है कि हम बात कर रहे हैं, तो 30 साल पहले। तो उस समय जो चुनौती थी, चार गांव थे जो विस्थापन के लिए जोर लगा रहे थे, और उनमें से 3 के लिए एक अनुमति आ गई, धारा, झरना, कोठीराव, और 94 में उसका विस्थापन हुआ। और मैं 6 साल तक कॉर्बेट में, 99 तक डिप्टी एडिटर था उस समय, और
कुछ तो मेरे को टूरिज्म में रुचि थी और कुछ मेरे को काम भी सौंपा गया। तो वहाँ ज्वाइन करते के साथ ही जो डायरेक्टर साहब थे मिस्टर एस नेगी, हु इज़ अनफॉर्चुनेटली नो मोर, तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी कि मैं नेचर गाइड्स के लिए एक 2.5 महीने का ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन करूँ और सुपरवाइज करूँ। और तो पहली बार जो है उसमें खाली कॉर्बेट ही नहीं, कॉर्बेट के मेरे ख्याल से 19 लोग थे, लेकिन 6 लोग जो हैं और पार्कों के भी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, वहाँ से भी आए थे, और उनके लिए हमने ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया। और कुछ रिसर्चर्स हैं वो उसी पॉइंट को कॉर्बेट में इको टूरिज्म की बिगनिंग स्टार्ट मानते हैं 93 से। और उसके बाद फिर नेगी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, ये गांव का विस्थापन भी हो गया, और एक काफ़ी अनुभवी डायरेक्टर आए थे डॉक्टर आरएल सिंह, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के डायरेक्टर भी रह चुके थे 5 साल। तो उनको खाली उत्तर प्रदेश का ही नहीं उस समय, बल्कि पूरे इंडिया के टाइगर रिजर्व्स का तजुर्बा था। तो उन्होंने मुझे ये काम सौंपा कि झरना टूरिज्म जोन डेवलप करने का। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो 6 साल के अंदर एकदम से टूरिज़्म बहुत डेवलप नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे ये प्रयास जो हैं उसको अधिक पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाना और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उसके लिए प्रयास चलते रहे। संयोग से 95 में मैं एक रॉकफेलर फाउंडेशन ने प्रोग्राम स्थापित किया था, लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें मुझे जाकर के कोस्टारिका में इको टूरिज्म देखने का मौका मिला, और वहाँ से आकर के मैं और भी उत्साहित था। और उसके बाद फिर हमने कुछ बैठ के आयोजित करना, इको डेवलपमेंट कमिटीज़ बनाना, प्लानिंग करना, ये सब किया। तो उसके बाद 99 में मैं वहाँ पे चला गया था। तब तक रिसॉर्ट आने शुरू हो गए थे वहाँ पे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद एनुअल रेवेन्यू 12 लाख के करीब थी, वो भी बढ़ कर के 1 करोड़ के करीब पहुँच गई थी। तो प्रोग्रेस हुई थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। फिर दूसरे फेज़ में दोबारा मुझे आने का मौका मिला 2005 में, और मैं डायरेक्टर के रूप में 3 साल तक रहा। और उसमें मैंने टूरिज़्म पे बहुत ध्यान दिया, पर वो किसी टूरिज़्म की एक बड़ी विशेषता है, वो एक सत्य है कि टूरिज़्म जो है वो कभी भी किसी प्लान को फॉलो नहीं करता। आप कोई भी प्लान बना लीजिए, लेकिन उसमें इतने एक्टर्स हैं, इतनी फोर्सेस हैं, और वो इकोनॉमी और सोसाइटी से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि कोई सिंगल एजेंसी, व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है दिशा को। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक प्लान भी बना सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो जो स्वरूप लेगा वो अपना ही स्वरूप लेगा। तो मेरे डायरेक्टर का चार्ज लेने के तुरंत बाद टाइगर ने एक कुमाऊं मंडल के कर्मचारी पे हमला बोल दिया, और वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए, और बहुत शोर शराबा हुआ। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और वो बच भी गए सौभाग्यवश। और लेकिन एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन निर्णय उस समय मेरे को लेना पड़ा कि सब लोगों का ये मत था कि ये टाइग्रेस ने उसको अटैक किया था, और मेरा फिर भी विश्वास था कि ये टाइग्रेस नहीं, ये जो एक सब एडल्ट मेल कब था उसने किया था। लोगों के अलग अलग विचार हैं आपके हादसे को लेके, कोई बोलता है कि वो टाइग्रेस नहीं थी, वो टाइग्रेस का बच्चा था, क्योंकि तभी वो पूरी तरीके से उसे मार नहीं पाया, और मैंने इसके लिए मना कर दिया था कि मैं उसको मैनेटर डिक्लेयर करने के लिए, केज या ट्रैंकुलाइज करने के लिए मेरा मन उसकी गवाही नहीं दे रहा था। तो मेरा स्टैंड ये था कि मेरी जिम्मेदारी ये कि मैं टूरिस्ट और स्टाफ को प्रोटेक्ट करूं, और हम प्रोटेक्ट करेंगे, और ये टाइगर का घर है, और वो जो चाहें वो अपने जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने जो स्टाफ और टूरिस्ट को बचाने के लिए ढिकाला में रातों रात पहली बार एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंस स्थापित की,
और 15 जून को मुझे याद है कि पार्क बंद हुआ और 16 जून को उसमें करंट का प्रभाव होने लग गया था और उसको एक नई संस्कृति में बदलाव लाना पड़ा क्योंकि लोगों को खुले में शौच के लिए और उसके लिए जाने की आदत थी। तो अब क्या हुआ कि फैंस तो बन गई लेकिन बरसात में स्टाफ को वहाँ पे रखना बड़ी दिक्कत थी और उनके मन में डर था कि ये टाइग्रेस है, मैनीटर है, वो अटैक कर देगी। तो एक कोई एक ऐसी एक्टिविटी चाहिए थी जो उनका ध्यान बांटे और उनको इन्वॉल्व रखे और वहाँ पे लोगों की संख्या भी बढ़ाए। तो तभी हम जो वार्डन थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे कुछ 20 लाख रुपए दिए गए थे टॉयलेट और उनको सुधारने के लिए और वो अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं हम बरसात में, जबकि टूरिस्ट का भी आना बंद हो गया है और तो हटमेंट के जो टॉयलेट्स थे उनकी रिपेयर स्टार्ट कराई और अपनी तरफ से कोशिश की कि पूरी बरसात सड़क जितनी खुली रख सके ढिकाला की उसको रखें। अब वो अक्टूबर तक जब टॉयलेट बन के तैयार हुए तो वो बहुत ही बढ़िया थे और सबसे ज़्यादा खुशी जो जाहिर की वो तो वहाँ के स्वीपर और जो क्लीन करने वाले स्टाफ थे। तो उन्होंने कहा कि हमें पर्यटक आते थे और इतनी उनकी वो सुनना पड़ता था और अब हम अपना सर जो है वो स्वाभिमान के साथ खड़ा कर सकेंगे। तो पर प्रश्न ये उठा कि टॉयलेट तो इतना अच्छा हो गया और बेडरूम इतना गंदा होगा तो बड़ी अटपटी बात हो जाएगी। तो फिर कहीं से पैसे जोड़ करके वो हटमेंट के कमरे ठीक किए। अब हटमेंट एक बार बहुत बढ़िया हो गए तो थोड़ा उसको डेलिकेट तरीके से ट्रीट करने के लिए थोड़े वहाँ पे सेलेक्टेड लोगों को बुकिंग दी जाने लग गई। तो उसमें लोगों को आपत्ति हो गई कि साहब ये तो एक वर्ग विशेष को ही वो अच्छे कमरे दिए जा रहे हैं। तो वो सही भी नहीं था कि बाकी कमरे खराब हों और खाली कुछ ही कमरे सही हों। तो फिर उस समय जो माननीय वन मंत्री जी थे उन्होंने उनके निर्देश और बढ़ावे पे फिर पहले ढिकाला और उसके बाद कॉर्बेट का जितना भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सारे को क्या कहते हैं रिनोवेट किया गया और एस्थेटिकली बहुत बैलेंस तरीके से और पूरे रेनोवेशन में ये फोकस था कि किस तरीके से हम नेचुरल लाइटिंग को यूज़ कर सकें, किस तरीके से वाटर के कंजम्पशन को डिक्रीज करें, जो इनकन्वीनियंस है टूरिस्ट को ख़ास तौर से डैम्पनेस वगैरह की उसको दूर करें, सेफ्टी इंक्रीज करें और कितना आउटडोर्स को उनके नज़दीक लाएं। तो अब सर आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक जिसके लिए हमारी ऑडियंस जो है हमेशा तैयार रहती है। एंड अभी मैं जब आपके यहाँ पे आया था तो मैं देख रहा था कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सर कॉबिट आपको पता है कि बींग द नंबर वन टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड एशिया का भी है, यहाँ पे कितने हादसे हो चुके हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो कर्मचारी थे पांडे जी उनके साथ में जो हादसा हुआ था वो तो 2005 में हुआ था, बट दैट वॉज अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट क्योंकि वो कैंपस के अंदर हुआ था। अब तो सर टाइगर नंबर्स इतने बढ़ गए कोविड में कि एक्शन जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, मुहान, सुंदरखाल, गर्जिया, मतलब अब तो टाइगर बाहर निकल निकल के मार रहे हैं। सर इसका बेसिकली हम मेन रीजन क्या बोले, नंबर्स बढ़ गए हैं या द डोमिनेंट मेल्स आर शिफ्टिंग द सबटल्स आउटसाइड और जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी टेरिटरी नहीं मिल रही है, वो भी बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं इंसानों से मिल रहे हैं और अपने आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। दिक्कत क्या है इन सब चीज़ों में, वो फायर के लिए भी होता है और ये हम बात कर रहे हैं लार्ज कार्निवोर मैन कॉन्फ्लिक्ट की। और उत्तराखंड में लार्ज कार्निवोर्स में 3 जानवर आते हैं, टाइगर, लेपर्ड और बेयर्स। कॉर्बेट में आपका अभी इंटरेस्ट जो है वो टाइगर को ज़्यादा लेके हैं। अब क्या है कि अगर आप देखेंगे वास्तविकता में तो टाइगर पहली तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लोकलाइज्ड है। मैं अभी देख रहा था कहीं पे कि केवल 4 जिलों तक सीमित है और उसमें से भी 2/3 जो इंसिडेंट होते हैं वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं, तो इट इज़ नॉट कि एज इफ ये सब जगह है। दूसरा इसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है हर साल में, टाइगर के केसेस में इंजरीज भी होती हैं और कैजुअल्टी भी होती है
और मैं अपना उसका जब लोगों को 2018 के फिगर्स आए इतने टाइगर के नंबर इंक्रीज हुए हैं तो एकदम से लोगों को ये भय था कि अब तो एस्केलेशन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में. बट आई वेगली रिमेंबर कि जिस एक साल में मैं PCCF वाइल्ड लाइफ था उसमें 3 कैजुअल्टी हुई थी पर तीनों की तीनों स्टाफ की थी, 2 ढिकाला में और 1 कालागढ़ डिवीजन में. और जो कालागढ़ डिवीजन का है उसमें तो वो टेरेन ऐसा था कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो हमने स्टाफ के ही बिहेवियर को चेंज किया और उसके बाद कोई फ्यूचर को कैजुअल्टी नहीं हुई. और ढिकाला में क्योंकि वो टाइगर एबरेंट था तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की सहायता से उसको ठीक उस दिन 15 नवंबर को जबकि जिस दिन पार्क खुलता है उसी दिन हुआ था, 15 नवंबर को ही उसको ढिकाला से. हाँ तो 19 में एक तरफ पर्यटकों की गाड़ियां शुरू हुई और दूसरी तरफ उसे ढिकाला से वो टाइगर को ट्रैंक्विलाइज करके लेके आए थे. मेल टाइगर था सर. हाँ मेल टाइगर, उसको सांबा बाद में नाम दिया था शायद, यानी उसको जू में बाद में भेजा था. तो लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि कहीं पे भी इतने बड़े टाइगर्स होने के बावजूद भी एक इंजरी हुई थी, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे पर कैजुअल्टी नहीं हुई थी. तो मैं 2 बातें कहना चाहूँगा. पहली बात ये कि जब जानवरों की संख्याएं इंक्रीज करेगी तो इनकाउंटर तो होंगे ही होंगे. इनकाउंटर का मतलब ये है कि मैं कहीं रास्ते में चल रहा हूँ और सामने से टाइगर मुझे देख ले या मैं टाइगर को देख लूँ या हम दोनों एक दूसरे को देख लें, तो एनकाउंटर आप अवॉइड कर ही नहीं सकते जब जानवर हैं, क्योंकि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में कोई दीवार या फेंस तो नहीं है, जानवर तो मूव करेंगे. जो सारी चैलेंज है वो ये कि किस तरीके से एनकाउंटर को एक्सीडेंट से बनने में रोके, तो क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले सकते हैं. और ये प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं कुछ हैबिटेट और एनिमल की इकोलॉजी से रिलेटेड हैं पर काफ़ी कुछ ह्यूमन रिस्पॉन्स और बिहेवियर पे भी डिपेंडेंट है. तो एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब फिगर्स देखते हैं या मीडिया में देखते हैं तो अभी भी जैसे चल रहा है कॉर्बेट के नॉर्दर्न साइड में पहली बार रिकड़ी खाल में आज तक कभी नहीं हुआ था, तो वहाँ पे भी टाइगर का प्रेजेंस है और वहाँ पे भी कैजुअल्टी और अटैक हो चुके हैं. तो आप देखेंगे कि ऐसे नंबर ऑफ स्पॉट्स ज़्यादा नहीं है पर वहाँ पे चैलेंज ये होता है कि कितनी स्विफ्टली और कितने टैक्टफुली आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं. और अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं किसी भी वजह से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रामनगर डिवीजन में हुआ था फतेहपुर में, तो एक ही जानवर जो है वो तो प्रॉब्लम एनिमल तो एक ही है, वो 6 आदमियों को अगर मार देता है तो वो फिगर्स में ऐसा लगेगा कि 6 अटैक हुए पर प्रॉब्लम जानवर तो एक ही था. तो वो चैलेंज ये है कि जब किसी जानवर के साथ प्रॉब्लम हो तो उसको कितनी क्विकली आइडेंटिफाई करके आप रिमूव कर सकते हैं. मेरे को याद है कि ये 2019 में 13 अगस्त को या अगस्त में कभी खबर आई कि एक टाइगर को उसने एक वॉचर को टाइगर ने अटैक करके खा लिया है. और मैंने जो उस समय हॉफ थे उनसे कहा कि 15 अगस्त है लेकिन मुझे तो तुरंत जाना पड़ेगा 14 को ही, और मैं ध्वजावरोहण में वहाँ पे भाग लूँगा रामनगर में और उसके बाद मुझे साइट देखनी पड़ेगी. तो अब आप सोचिए कि मैं एकदम वहाँ पे गया और यही फ़ायदा था कि जब सड़क खुली रखते हैं तो ढिकाला पहुँच गए. अब ढिकाला पहुँचे तो पहले तो कुछ कारण था डिप्लीटर तो जा ही नहीं पाए, और डायरेक्टर पहली बार मेरे साथ मौके पे गए उस दिन, वो उससे पहले उन्होंने भी नहीं देखा था और फिर उनका कुछ फैमिली कंपल्शन थी तो वो भी वापस आ गए. और उसके बाद फिर हम अगले स्पॉट को देखने गए वगैरह वगैरह. तो अगस्त से लेके अगस्त से सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, फिर नवंबर आ गया 2.5 महीने तक, और उस जानवर के बारे में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे. तो इतने कैमरा ट्रैप लगाए, सैंपल्स लिए, ये किया वगैरह. तो फिर मैं दोबारा नवंबर में गया, मेरे ख्याल से 9-10 नवंबर को,
और उसके बाद फिर मैंने डांट लगाई, मैंने बोला कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो, एक टाइगर है जिसका कि अबेरेंट बिहेवियर है, दो लोगों को मार के खा चुका है और कल को हम टूरिज्म ओपन कर देंगे और उसके बाद हर व्यक्ति फियर, इतने इंसिडेंट ज्यादा नहीं होते हैं जितना कि साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट होता है, तो हर व्यक्ति इस डर के अंदर रहेगा कि कभी भी किसी के साथ हो सकता है, कोई चैन के साथ रह ही नहीं पाएगा। तो ये 12, 13, 14 नवंबर को इन्होंने किया एंड एज लक वुड हैव इट कि इधर से गाड़ियां चलनी शुरू हुई और उधर से उन्होंने टाइगर को ट्रैंक्विलाइज कर दिया। सर ये जो चीज बोली आपने सर, ये अभी जस्ट एकदम से हाल ही में आपको पता जो मोहन के अंदर इंसिडेंट हुए थे, धनगढ़ी के पीछे सुंदरखाल और सुंदरसाल के साथ में पनोर नाला लगता है वहां हुए थे। अगेन सीजन जब खुला, टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि मेरा सफारी का भी बिजनेस है, तो लोग इतना पूछने लगे कि सर इज इट सेफ, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जो आपने बोला है वो फियर लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। कुछ लोगों ने बुकिंग्स भी अपनी सर कैंसिल कर दी थी इस चक्कर में, बिकॉज दे वर नॉट फीलिंग सेफ कि हम जाएं, क्योंकि वहां पे इतना ये मैनीटर लोगों ने बोल के, तो हमें टाइगर कंजर्वेशन के लार्जर इंटरेस्ट में वो एक्सपर्टाइज, डेडिकेशन और स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है सिचुएशन को, और वो काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो कितने जल्दी मौके पे पहुँचें, कितना समय वहाँ पे बिताएं और कितनी समझ है उनको जानवर के बिहेवियर की, टेरेन की। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा स्टाफ जो है, ख़ास तौर से जितने नीचे लेवल पे आप जाएंगे, वो बहुत ज़मीन से जुड़ा होता है, जानकार होता है, तो उनकी सलाह और अनुभव का लाभ लेने से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सर एक ये अगर मैं कोविड को अभी हटाता हूँ, मैं थोड़ा सा रारा जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, सिंस यू बीन द पीसीसीएफ ऑफ उत्तराखंड। कोविड से टाइगर्स को रिलोकेट करा गया है आज की डेट में रारा जी में। नाउ एनटीसी की रिपोर्ट कहती है, जो 2018 का जो सेंसस था उसमें उन्होंने बताया था कि देयर आर 45 प्लस टाइगर्स इन रारा जी, बट साइटिंग वाइज सर कोई भी वहां पे टूरिस्ट जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू विटनेस एनी ऑफ द टाइगर्स आउट देयर, जो कि कोविड से अभी लाके उनको छोड़ा है। हाल ही में अभी यहाँ पे मोहन डिवीजन जो है हमारी लाला जी की, उसके अंदर एक टाइगर को उन्होंने देखा है और उसका इफेक्ट जो है कुछ हद तक सर मैं बोलूंगा कि वो कॉबिट के ऊपर भी पड़ा है। जैसे कि मैं बिजरानी जोन की बात करता हूँ, डिकाला के बाद में वी ऑल नो दैट यू नो बिजरानी लैंडस्केप वाइज एंड ऑब्वियसली टाइगर पॉपुलेशन वाइज इट्स ऑन सेकेंड नंबर, बट अब सर वहाँ पे भी जो है टाइगर की साइटिंग जो है ना बहुत कम हो गई बिकॉज ऑफ द रिलोकेशन, के टूरिज्म जोन से टाइगर को ले जाके छोड़ा गया है इस टाइम पर राधा जी में। कोविड का जो टूरिज्म जोन है बिजरानी का, वहाँ से लेके गए हैं, सेम झरना से भी लेके गए हैं। सो एक तो टूरिज्म जोन में जो टाइगर होता था, जो जिसको आदत थी गाड़ियों को देखने की बाहर आता था, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली जब वो राधा जी भी पहुँच गया है, सो लोगों को फ्रीक्वेंट साइटिंग्स नहीं हो पा रही है, उसका सर क्या रीज़न हम बोल सकते हैं? देखिए मेरे लिए कुछ भी टिप्पणी करना बहुत कठिन होगा। मेरा तो अपना मानना ये है कि अगर टाइगर राजा जी के वेस्टर्न पार्ट में नहीं है तो कुछ ना कुछ कारण है, और जब तक वो कारणों को हम दूर नहीं करेंगे तो हम आर्टिफिशियली टाइगर अगर वहाँ पे लेके भी आ जाएं तो भी वो उनका प्रॉस्पर करना उतना आसान नहीं होगा। और हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई भी थी कि नेचुरली भी टाइगर खाली यहीं तक नहीं आए, राजा जी के वेस्टर्न पार्ट पर कलेसर तक भी गए हैं, तो और ये जो नया मिटिगेशन स्ट्रक्चर बनाए हैं मोतीचूर के पास में एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसके नीचे भी टाइगर के कैमरा ट्रैप्स में फोटोग्राफ आए हैं। तो आप दो अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं, एक तो ये कि यहाँ पे क्यों नहीं साइटिंग हो रही है, तो अभी तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट अभी तो आधा ही हुआ है, अभी पूरा भी नहीं हुआ, तो किसी भी चीज़ को परिणाम आने में समय लगता है, एकदम से नहीं हो सकता है। और दूसरा ये कि टाइगर कहाँ से लिया गया, तो ये तो प्रश्न आपको उन्हीं से पूछ सकते हैं जिन्होंने ये चॉइस की, मेरे लिए उस पर कमेंट करना मुश्किल होगा। बट सर जब आप रिलोकेट करते हैं विद इन अ स्टेट ओनली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजस्थान से टाइगर को आप उत्तराखंड के अंदर ला सकते हैं, कि सिर्फ ये पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे कि अगर दो टाइगर रिजर्व एक ही स्टेट के अंदर, जैसे उत्तराखंड के अंदर रारा जी और अभी काफ़ी कुछ जो है ये एनटीसीए द्वारा रेगुलेटेड है, जो परमिशंस वो देते हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन टाइगर्स क्या है, टाइगर्स का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर होता है, और आप टाइगर को थोड़ा सा मैं हेजिटेट करता हूँ टाइगर को रिलोकेशन उसमें
वो इसलिए कि जब आप एक जानवर को वहां से निकालते हो तो एक टेरिटरी खाली हो जाती है और बाकी टाइगर्स में उस टेरिटरी के लिए फिर झगड़ा होता है और उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो किस जानवर को निकालना है, ये कोई मैकेनिकल नहीं है कि एक बाड़े में भेड़ है और एक भेड़ को उठा लिया और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो टाइगर्स जो हैं वो उनकी अपनी एक सोशल लाइफ है, एक टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है और उससे उनके पूरे एक इंडिविजुअल को हटाने से उस पूरे उसमें स्ट्रक्चर में भी इफेक्ट पड़ता है। वेरी वेल सेड सर। देखा गया है कि जैसे कि बाकी टाइगर रिजर्व्स है, जैसे कि मैं बात करूँ रणथंभौर की सर, वहाँ पे नाम दिए जाते हैं T1, T2, T3, T4। कॉर्बेट के अंदर नाम दिए गए बट ऑफिशियली बोला जाता है कि यहाँ पे नाम नहीं दिए जाते। कुछ हमारे गाइड्स हैं या ड्राइवर्स हैं जो कि नाम देते हैं, जैसे कि पार वाली होगी, जूनियर पार वाली, पेड़ वाली, बट नॉट स्पेसिफिकली ऐसा रणथंभौर के अंदर या सरिस्का के अंदर करा गया। ये सर मेरा ऑनेस्टली एक ओपिनियन है जो मैं सोचता हूँ कि टू मतलब अगर फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, वेदर इट्स इनसाइड द पार्क और आउटसाइड द पार्क, अगर टाइगर्स को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दे जाए तो आई थिंक वो उस सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमको पता चल सकता है कि कौन सा टाइगर है। जैसे कि अगर T1 C1 हो गया या C2 हो गया, वो ही उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रहा है और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब देखिए, एक ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें NTCA को अथॉरिटी है, NTCA डायरेक्टिव देते हैं और जो NTCA डायरेक्शंस इशू करते हैं टाइगर रिजर्व्स और ऑफिशियल्स, दे आर बाउंड टू फॉलो दैट। तो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कोई ऑल्टरनेट सजेशन है वगैरह, तो वो NTCA को ही एड्रेस किए जा सकते हैं, उसको अपने लेवल पे वायलेट करना सही नहीं होगा। वो तो आप सही बोल रहे हैं, NTCA तो सेंट्रल बॉडी है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है टाइगर रिजर्व के अंदर। सर विलेज रिलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल इन टर्म्स ऑफ, आप देखें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में बहुत से गाँव हैं, जैसे कि 2014 के अंदर जब हम लोगों ने ढेला जोन की स्थापना जब करी थी तो लालढंग नाम का जो गांव था उसको पूरा विस्थापन किया गया था और एक विलेज पड़ता है सर आपको पता ही है सुंदरखाल, वो बना ही हुआ है मेजर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो हमारा सिल्किया कोटा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो रानीखेत रोड पर ही है। आज भी सर वो गाँव विस्थापन नहीं हुआ है एंड वहाँ के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ टाइगर्स का आना जाना, दूसरा पीछे कोसी नदी के अंदर जो पानी बहता है, दोनों ही यू नो चीज़ों की वजह से गाँव के लोग जो हैं आज की डेट में इतना डर डर के रह रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं करने को वहाँ पे। आई मीन सेफ्टी के नाम पे थोड़ी थोड़ी लकड़ी लकड़ी की फेंसिंग लगाई हुई है घर के चारों तरफ, लेकिन अभी भी टाइगर घुस जाता है अंदर, गायों को मार देता है, कभी कभी इंसानों को ले जाता है। उनकी सेफ्टी के लिए सर कुछ किया जा सकता है जब तक ये सुंदरखाल का पूरा प्रोजेक्ट जो है रिलोकेट नहीं किया जाता है, गांव रिलोकेट नहीं किया जाता है, एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड देम विद सम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो कई बार विधानसभा सत्र में भी उठाए हैं रेगुलरली और सरकार की तरफ से आश्वासन भी हैं और पानी, बिजली, चाहे वो सोलर फेंस हो और शौचालय हैं, ये तो एक ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि अगर कोई इंसान बस रहे हैं तो उनको हर हालत में दी जानी चाहिए। और मतलब एक ह्यूमन लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है जब लॉस होता है, लेकिन बजाय इसके कि हम एक ट्रेजेडी होने के बाद कंपेंसेशन दें, उससे अच्छा यही है कि उसी पैसे को अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स में लगाएं जिससे कि एक्सीडेंट्स होने से बचा जा सके। सो मेरे को जो नोडल ऑफिसर हैं वो बता रहे थे कि भारत सरकार ने अभी दोबारा ये शर्त दोहराई है, उसके सुंदरखाल विलेज नहीं है, वो तो एक इंक्रोचमेंट है। विलेज तो हम उन्हें कहते हैं जो रेवेन्यू विलेजेस, जहाँ पे कि लैंड सेटलमेंट हो रखा हो। तो देखिए अब आगे क्या होता है। आई होप सर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए या मतलब जब भी जितना भी, लेकिन ये इशू जो है अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस है PIL ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है और उसमें मेरे ख्याल से जो कोर्ट है उन्होंने सरकार से पूछा है कि कॉरिडोर्स को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो स्टेटस पूछा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा सर ने बोला आने वाले टाइम में
हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल से हमारे को या गांव वालों को खुशखबरी मिले कुछ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ भी सर रियायत बढ़ती जाए, बिकॉज वो वाकई में बहुत प्रॉब्लम है. एंड मैं पर्सनली उस गांव में जाता रहता हूँ. अभी भी 4 दिन पहले वहाँ पे 8 गायों को टाइगर ने मार दिया था. रात को तो आपको पता ही है सर, वहाँ पे निकलना कितना खतरनाक होता है. एलिफेंट्स का भी मूवमेंट अच्छा खासा, बिकॉज इट्स अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर. तो ये है, बाकी देखिए आगे क्या होता है आने वाले समय में. हम सभी ये जानना चाहेंगे और जानना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा है कि कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसके बाद में एक टाइगर को जो है आदमखोर डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाता है. मैंने कभी नंबर्स नहीं बताए हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक डिसीजन लेता है और उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको वो बताता है कि वो आदमखोर है कि नहीं है. बट वो भी बताता है बेसिस ऑन द DNA रिपोर्ट, उससे पहले वो खुद भी नहीं बोलते हैं. आज सर बैठे हैं, आज सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जब एक हादसा होता है उसको, मतलब हम पहले केस में तो नहीं बोल सकते कि वो आदमखोर है. हाँ, स्टॉकिंग के मामले में वी कैन से ज़्यादा करें, टाइगर स्टॉक करके गांव के अंदर घुस रहा है और लोगों को मार रहा है, या जैसे कि आपने बताया कि टिकाला के अंदर भी उसने 2 फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ में हमला कर दिया था. देखिए, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि साहब इतने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है. ये बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल उस पर डिपेंड करता है. जब मैं चीफ एलए वार्डन था और ये ढिकाला में जो इंसिडेंट हुआ, तो एक इंसिडेंट जो हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था नवंबर में, पर वो 2019 का नहीं था. 2019 का ये पहला इंसिडेंट था. लेकिन उसमें जो वरिसम चीज़ थी वो ये कि स्टाफ ने मेरे सामने डिप्टी एक्टर डायरेक्टर के फेस पे बोला कि ये पिछली बार आए थे दोनों अधिकारी, हमने इनको बोला था कि ये टाइगर अटैक करेगा और ये लोगों के पीछे जा रहा है और इन्होंने कुछ किया नहीं और क्या कहते हैं, देखिए ये हादसा हो गया. तो क्योंकि मैंने पाया कि ये जो उनका चार्ज था वो सच था, तो वो पहले इंसिडेंट में ही हमारे को उस टाइगर को वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ा. क्योंकि टाइगर का बिहेवियर वो 5-6 महीने तक लगातार ऐसे ही चलता रहा था, कई इंसिडेंट नहीं हुए थे. वो बताने लग गए कि एक बार कोई मशीन थी उससे घास कट कोई काट रहा था तो टाइगर उस व्हीकल के ऊपर जंप कर गया, तो वो ड्राइवर उसको जो है किसी तरीके से भगा करके ढिकाला के अंदर लेकर के आया और शोर से टाइगर को वो किया. तो बिहेवियर मतलब इस केस में टाइगर का बिहेवियर जो था वो टोटली अबेरेंट था. और क्योंकि उन्होंने ये स्टाफ ने आशंका जताई थी कि ये अटैक करेगा और उनकी आशंका सही भी निकली और वो उसके बिहेवियर की वजह से वो जानवर को पहचान भी रहे थे, तो उसको निकालना ज़रूरी हो गया. तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मतलब लॉस ऑफ लाइफ, एक भी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ट्रेजिक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और ये प्रिवेंशन का वो है. लेकिन अगर आप गलत जानवर को ट्रैंक्विलाइज कर लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम झोंकी थी और रहेगी और फिर पता चलेगा कि आप, और जो फिर एक बड़ी हास्यपद स्थिति हो जाती है कि आपने एक जानवर निकाल दिया, 2 जानवर निकाल दिया, लेकिन जो कैजुअलिटीज हैं वो फिर की बड़ी, और तो इसका मतलब प्रिवेंशन की बजाय तो क्या कहते हैं उल्टे जानवर की लाइफ का लॉस हो रहा है. तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है. इंसान की लाइफ भी नहीं जाए पर जानवर की लाइफ भी नहीं जाए. मोंटाना में मैं 3 साल रहा और वहाँ पे मैं भी दंग रहता था. मैं तो बाहर से था और US में मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं हर समय अवॉइड करता था कि मुझे कोई प्यूमा माउंटेन लायन वगैरह ना देखे, क्योंकि कहीं बर्फ़ में मैं स्लिप कर जाऊँ, कोई हड्डी टूट जाए तो मेरे तो दिक्कत हो जाएगी. बट एक दिन मैं अपना उसमें ऐसे ही अपार्टमेंट में संडे को कुछ पढ़ाई कर रहा था और मेरा लैपटॉप खुला था और फिर अचानक मुझे लगा कि ये क्या है. फिर मैंने बोला
मैंने कभी देखा नहीं था, इनफैक्ट ध्यान से पिक्चर भी नहीं देखा था। मैंने बोला ये तो बॉबकैट लग रही है, और मैंने उसी समय गूगल में सर्च किया, बॉबकैट की पिक्चर देखी और सामने में बॉबकैट देख रहा था, और बर्फ थी, पिघली नहीं थी, बट स्प्रिंग वॉज अबाउट टू अराइव। और फिर मैं देखने लग गया कि वो कैट किसी चिड़िया का शिकार करने की लीफलेस ट्री पे कोशिश कर रही थी और फिर चली गई। बट इट वॉज अ फिनोमिनल साइटिंग, मतलब यू कैन इमेजिन सिटिंग फ्रॉम माय राइटिंग टेबल। तो वहाँ पे जानवर, बेयर्स और माउंटेन लायन और इनका आना बहुत कॉमन है, और ये जो है मूज भी आ जाते हैं शहर के अंदर। लेकिन जो उन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं कम्युनिकेट करने के, एसएमएस मैसेजेस में, ईमेल में, और कॉर्डन ऑफ करने के लिए, क्योंकि जानवर थोड़े समय के लिए आता है, वो आता भी है और चले भी जाता है, आपको खाली उतने पीरियड के लिए ये वॉच करना होता है कि कोई इंसिडेंट नहीं हो। मैं बताना चाहूँगा कि एक मिस्टर बागड़ी थे, DFO तराई वेस्ट, और इसके जसपुर के पास में किसी गांव में एक टाइग्रेस कब्स के साथ आ गई, और फिर हमारे पास रिपोर्ट आने लग गई कि ये तो कब्स को बचाने के लिए किसी को भी अटैक कर देगी। तो मैंने भी उनको एडवाइस किया, इनकरेज किया, और उन्होंने और जो भी फील्ड स्टाफ था, रेंज ऑफिसर थे, उन्होंने इतना गजब का काम किया कि एक एक घर में जाकर के उन्होंने समझाया कि बस ये 10-15 दिन की बात है और आप ये डूज एंड डोंट्स ये मत करिए। कोई नोटिस नहीं, हैंड रिटन भी दिया होगा, लेकिन एक एक घर में जाकर के पर्सनली हर फैमिली से बात की, और कुछ दिनों बाद वो टाइग्रेस चली गई और वो कब्स भी बच गए। और अगर हम कुछ भी करते टाइग्रेस के साथ तो वो सारे कब्स का वो रहता। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि टाइगर के साथ इंसिडेंट्स होते हैं, आश्चर्य की बात ये है कि इतने सारे टाइगर्स होके भी इतने कम इंसिडेंट्स होते हैं, और जो होते भी हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए, तो जैसे कि टाइग्रेस का आपने बताया कि जब कब्स के साथ में होती है, तो जब आप इन लोगों को ट्रैंकुलाइज करते हैं, सो अगर तो बहुत ही छोटे हैं, लगभग 5 या 6 महीने के बच्चे हैं, तो माँ के साथ बच्चों को भी आप लेके जाते हैं, बिकॉज वो तो सवाई भी नहीं कर पाएंगे अगर आप मदर को उठा के ले गए तो। ऐसे जनरल टर्म्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो हर स्पेसिफिक केस में निर्भर करता है। मेरे को याद नहीं है कि कहीं भी लैक्टेटिंग किसी टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज किया गया हो या रिमूव किया गया हो। तो दोस्तों, अब समय आ गया है सर से इजाज़त लेने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया हो। ये पॉडकास्ट मुझे हमेशा याद रहेगा, बहुत सी नई चीज़ें हमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में जानने को मिली हैं। मैं राजीव सर का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड वन विभाग आपके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कदमों को सदैव याद रखेगा। ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। दोस्तों, आने वाले समय में हम और भी जंगलात के ऐसे दिग्गज अफसरों को शो पे लेके आएंगे और उनसे रूबरू होंगे। आज का यह स्पेशल व्लॉग हमारी ओर से हमारे दर्शकों के लिए इस ग्लोबल टाइगर डे दिवस पे एक तोहफा है।